राहुल भैया ने पास करी है तो राहुल भैया ही दूध निकालेंगे मेरे को लग रहा है। देखिए दोस्तों राहुल भैया बहुत जांच परख के करते हैं, शायद फेल कर दी है राहुल भैया ने। और डिटेल लेते हैं हम राहुल भैया से। देखो दोस्तों राहुल भैया अगर फंसाना चाहते तो गलत गाय भी फंसा देते थे। राहुल भैया थोड़ी डिटेल दो, क्या हुआ? ये भैया अभी दूध देने में कुदरी तो बाद में घर पे क्या न्याल करेगी। अच्छा, लेकिन अधिकतर अच्छी गाय मिलती है। हमारे यूट्यूब चैनल देखकर भैया आए थे और गाय ले गए, आज फिर आए हैं गाय खरीदने के लिए। आप दो हाट पहले गाय ले गए थे, कितने में ली थी? वो हमने ली थी 68,000। 68,000 में कितना दूध बताया था दादा? यहाँ पे बताया था 8-9 लीटर। 8-9 लीटर। आज की स्थिति में कितना दूध दे रही है? 10-11 लीटर दूध दे रही है। एक टाइम का? एक टाइम का। बच्ची है नीचे 3 दिन की। देपालपुर पशु मंडी गाय के मामले में बहुत फेमस है, आपको पता है। यहाँ सभी तरह की गाय पहुँचती है। आप मंगलवार के दिन पहुँचे और बढ़िया मंडी है दोस्तों। इंदौर से 40 किलोमीटर, धार से 40, उज्जैन से 60, रतलाम से 70-75 किलोमीटर के समथिंग है। तो दोस्तों बढ़ते हैं और देपालपुर से बढ़िया मीडियम रेंज की गाय देखते हैं हम मिल रही है। सौदा करवाया था? अरे हमने सौदा करवाया था तो इनको बोलना था नहीं, तुमको सही देनी थी नहीं इनको, फिर ऐसा कैसा होता? क्यों अगर सौदा कर लो तो फिर कई बात है यार, अगर भी सौदा करो तो फिर बाद में दम भी रखो। 16,100। और राहुल भैया ने गर्मी पकड़ी, वापिस भाई ने गाय दी है। नहीं तो राहुल भैया नहीं होते तो ये गाय मिलना मुश्किल थी। दोस्तों इस गाय का देपालपुर से लाइव सौदा दिखाते हैं। भैया बता रहे हैं 4-4 लीटर दूध दोनों टाइम पक्का है। नीचे ताजी बच्ची है और देखते हैं हम किसकी गाय है। आपकी भैया क्या मांग रहे हो? 25 दूध। दूध 4.5-5। 4.5-5 लीटर। कहाँ से आए हो? इंदौर। इंदौर से पहुँचे हैं। इंदौर से आए। देखिए आप भैया साइड में हट नहीं सकता यार, मार रही है। कौन मार रही है? चलो ठीक है, देखिए आप गाय है और देखते हैं। बाऊजी बाऊजी आए हुए हैं प्रॉपर। कहाँ से पहुँचे आप? नरसिंहपुर जिला। जिला क्या होता है? जिला नरसिंहपुर, तहसील गाटावारा। अच्छा, एक रकम वहाँ से पहुँचे हैं। और 2-3 दिन से बातें चल रही थी फोन से इनसे कि भैया गाय खरीदना है हमें 40-30 की रेंज की। तो दो गाय भैया सुबह करवा दी है जल्दी आके। देखिए आप ये दोनों काली और जो लाल पास पास में बंधी हुई है, 25-25 हजार की दोनों है गाय। और इसका भी लाइव सौदा अभी हो सकता है। देखिए आप देखते हैं दोस्तों, सौदा हो चुका है करीब करीब इस गाय को। देखिए आप बच्ची लगा ली है गाय ने, चेक कर रहे हैं। देखिए आप देख ले फिर विचार कर ले, झिकझिक नहीं करूंगा बात। 17 तो सौदा हो चुका है। ये नरसिंहपुर से बाबूजी आए थे, इन्होंने गाय खरीद ली है जो 25,000 मांग रखी थी, जो कि हमने इसके लगाए थे 15,000, फिर लगाए 16 और फिर मेरी बात पर 16,100 में गाय डन हो गई है। देखिए आप तीनों गाय के पास मान के चले कि 4-4 लीटर दूध की कैपेसिटी है। और देखिए आप 50, 60 और 66,000 में तीन गाय देपालपुर पशु मेले से नरसिंहपुर जिले में जा रही है।
दोस्तों आप भी पहुंचे देपालपुर, प्रत्येक मंगलवार को ये मंडी लगती है आपको पता है, और डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरे दिन का अपडेट देते हैं हम। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप 9174878422 पर कॉल करें। मैं हूँ आपका किसान दोस्त नरेंद्र प्रजापत। गाय देखते हैं गाय की, और फिर पता चलेगा हमें। क्यों चेक कर ली बाबू जी, दूध निकाला, निकाल लिया। देखिए दोस्तों, अभी जो काली गाय खरीदी थी वो लेने वाला बदल गया है, और राहुल भैया उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो वो काली गाय नहीं मिल रही है। किसने सौदा करवाया था? अरे तुमने सौदा करवाया था, इनको बोलना था ना, तुमको सही देनी थी ना इनको। फिर ऐसा कैसा होता? क्यों अगर सौदा कर लो तो फिर कई बात है यार। अगर भी सौदा करो तो बाद में दम भी रखो। 16,100 में सौदा हुआ था, इन भैया ने करवाया, नरसिंहपुर वाले दादा थे वो। मैंने नहीं करवाया भैया। हाँ, तो राहुल भैया झगड़ रहे, उनके लिए भी देखो आपकी सौदा हुआ तो गाय दो ना। उनके पास शायद ज्यादा वाले ग्राहक आ गए हैं। देखो झूठ नहीं बोले भैया, तो देखते हैं। राहुल भैया किसी गाय का सौदा कर रहे हैं देपालपुर पशु मंडी से। और राहुल भैया गाय का सौदा हो रहा है? हाँ, इसका गाय। कौन सी गाय? ये वाली गाय का सौदा हो रहा है। देखते हैं कि कौन ले रहा, कितने में बेच रहा है, राहुल भैया क्या कर रहे हैं। तो दूध है करीब करीब 10 लीटर टाइम का, अर्डर क्वालिटी से पता लग रहा है, 8 तो मान के चले टाइम का। और हम तो राजस्थान से आए थे। कितो क्यों दूध पीते हो राहुल भैया, बताओ। भैया दूध दे देगा 10 और 12 लीटर टाइम का। अच्छा, क्या मांग रहे हैं? ये मांग तो अभी कुछ नहीं करी, पूछ रही हूँ। 75,000 मांग कर रहे हैं। अच्छा, 75 मांग कर रहे हैं। दूसरा जेड़े कल शाम को जेनी केड़ी। एक मिनट, कौन सी? हनुमान तो रहे। चलो आप दो। तो राहुल भैया लेने वाले कौन है? ये दादा जी, दादा सुराना रहता है। सुराना जिला? रतलाम। जिला रतलाम से आए आप ले रहे हो? नरसिंहगढ़ के पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, पहले तो मुलाकात नहीं थी इनसे। हाँ, और आपके वीडियो देख के इनको फोन आया था, तो फिर अपनी एक दो बार घर पे भी आ गए अपने। अच्छा अच्छा, क्या लगा रहे राहुल भैया बताओ ना? भैया 60,000 का। बढ़िया, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद लाइव सौदा, राहुल भैया क्या कर रहे हैं। इधर उस गाय का चल रहा है कुछ विचार विमर्श, देखते हैं क्या हो रहा है। हो गया क्या? हाँ हो गया। समझा दिया भैया इसको भी? किसको? भैया को समझा दिया, इनको समझा दिया, समझौता करवा दिया। मैं ये बोले भले आप सौ कितने में भी बेचो, लेकिन सौदा होने के बाद नहीं तो गलत बात है। अरे हाँ बना देने, अरे मुंडो दिखा, मैंने गाय बेची थी ना, दिखा। हमको कोई फर्क नहीं भगवान। और राहुल भैया ने गर्मी पकड़ी, वापिस भाई ने गाय दी है। तो राहुल भैया नहीं होते तो ये गाय मिलना मुश्किल थी। और देखते हैं इस गाय को, जो इसका 75 मांग कर रहे हैं। नीचे से देखिए आप, अर्डर अच्छा लगा हुआ है मेरे हिसाब से, 8-8, 9-9 लीटर दूध, सामने वाले 12 लीटर बता रहे हैं। और राहुल भैया ने शायद 60 लगाए हैं, ये खरीदने वाले दादा है जो हाथ घुमा रहे हैं। तो शायद वो गाय तो दूसरे ने ले ली है। राहुल भैया हो गए क्या सौदा? इन्होंने ले ली, अपने किन्ने ली? भैया दाढ़ी वाला बाप। अच्छा अच्छा, आपने खरीदी भैया? कहाँ से हैं आप? पालाखेड़ी से आए हो? नाम आपका? बहादुर चावड़ा। चावड़ा जी, पालाखेड़ी से चावड़ा जी पहुंचे हैं, जो चावड़ा हॉर्स फार्म भी है वहाँ पर। हाँ। है ना, मैं आया हूँ वहाँ पे। तो कितने मुआ सौदा है? 65,000 में, 65,000 में सौदा हुआ है। जो 75 मांग कर रहे थे, अच्छी गाय है, 9-10 लीटर आराम से दूध देगी। देखिए आप, तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए
तो दोस्तों बढ़ते हैं और नेपालपुर से बढ़िया मीडियम रेंज की गाय देखते हैं हम। तो भैया दलोदा से आए हैं और कितनी गाय लाए हो दादा? पांच गाय लाए हो। पांच गाय में आपके पास ज्यादा दूध की कैपेसिटी कौन सी वाली है? मुंडी की बोलो इसको। ये बता रहे हैं कि हमारे पांचों गाय में से सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय ये वाली है। पूछते हैं कितना दूध देती है। अब मैं अनुमान पहले आपको बता देता हूँ, दूध वही 5-6.5 किलो दूध है इसके पास, वो भी मेहनत करने पे। और कीमत है ये करीब करीब आखिरी 45,000-50,000 रुपये। तो दूध कितना है? दूध 6 किलो है। 6 किलो मांग? मांग 55,000। 55,000 कब की ब्याई? ये 6, 6, 7 दिन। क्या है नीचे? केड़ी है। घुमाओ। 6-7 दिन है इसका। लेने देने की क्या रही है? 52,000 रुपये। अच्छी गाय है। और दादा कम बजट में कौन सी सबसे जो कम दूध और कम बजट की? ये एक तो उधर की दोनों। हाँ और एक ये, तीनों कम बजट वाली है। अच्छा इसको खोलो। इसको? हाँ। तो ये दोस्तों मैंने बताया था कि 45 के आसपास की कीमत रखती है। तो बैठक पे अगर दोपहर तक नहीं दिखती है तो 40 पे भी आ जाएगी वो। देखिए ये भी करीब 4-4 किलो दूध, 3.5-4 किलो की कैपेसिटी है। कितना दूध है इसके पास? टाइम का इसका क्या मांग? 45 मांग है। बढ़िया भैया दलोदा से पहुँचते हैं हर बार। कपिला। अच्छा ये वाली अच्छी गाय है। अपने गाय का एरिया कौन सा है? भिलवाड़ा एरिया की गाय देख रहे हैं आप देपालपुर पशु मेले से। बढ़िया गाय। देखिए गिर क्रॉस गाय राधेश्याम काका जी के यहाँ है जो अच्छे एक व्यापारी हैं। और देखते हैं ये गिर क्रॉस गाय करीब तीसरे यहाँ में जनी गाभन है। तीसरे में भी आएगी? दूसरे में भी आएगी। अच्छा 6 दांत है और बहुत अच्छी हाइट बढ़िया है। तो तुम भैया कितना दूध दे देगी? दूध देगी 20 लीटर। 10-10 लीटर टाइम। 10-10 लीटर टाइम का। पीछे से देखो आप, हाइट अच्छी है। और क्या 8 दिन लेगी? क्या मांग कर रहे हैं इसके? 95,000 मांगने के। 95,000। अच्छी गाय है। लेने देने पे बैठक पर कम हो सकते हैं जरूर। और ये बड़ी गाय जो है ना? हाँ ये बड़ी गाय। ये भी खोलो आप। ये भी खोल दे। देखिए आप बहुत बढ़िया गाय है। अडर क्वालिटी देखिए आप, करीब 12-12 लीटर दूध लग रहा है। 20 लीटर दूध दे सकती है। भैया चलाओ आगे पीछे करो। अच्छी गाय है राधेश्याम काका जी की। और पूछते हैं दूध कितना बता रहे दादा? 28 लीटर है। 14-14 लीटर 14-14 लीटर दूध बता रहे हैं। हाँ नीचे क्या है? केड़ी है। 3 दिन की जनी। 28 लीटर दूध बता रहे हैं। और कीमत क्या रख रहे हैं इसकी? 1,05,000 मांगने के। जो भी हो जाएगा। अच्छा फिर भी अनुमानित भैया कम से कम 90 के आसपास। अच्छी गाय है राधेश्याम काका जी की। देखिए आप सभी गाय बढ़िया लाते हैं, विश्वास पात्र व्यापारी हैं। बढ़िया बढ़िया गाय होती है इनके पास। तो दोस्तों देपालपुर से गाय ले जाते हैं तो किसान लोग बहुत खुश होते हैं। तो देखिए ये भैया पिछली बार 2 हफ्ते पहले गाय ले गए थे। तो भैया पहले तो आपका नाम बताओ। श्याम धाकड़। कहाँ से हैं? बड़ौदा के पास सिद्री गांव। जिला? उज्जैन। आप 2 हाट पहले गाय ले गए थे, कितने में ली थी? वो हमने ली थी 68,000। 68,000 में कितना दूध बताया था दादा? यहाँ पे बताया था 8-9 लीटर। 8-9 लीटर आज की स्थिति में कितना दूध दे रही है? 11 लीटर दूध दे रही है। एक टाइम का? एक टाइम का।
तो देखिए दोस्तों, किसान लोग भी खुश होते हैं, 100 में से एक दो गाय गलत निकल जाती है, जो 8 बताया तो 4-5 दे रही है, फेल भी हो जाती है, लेकिन अधिकतर अच्छी गाय मिलती है। हमारे यूट्यूब चैनल देखकर भैया आए थे और गाय ले गए, आज फिर आए हैं गाय खरीदने के लिए, तो बोल रहे हैं कि आज तो गाय अच्छी जम नहीं रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं मंडी में अगर अच्छी गाय मिलती है तो। और आप हमारे यूट्यूब देख के आए थे ना भैया, है ना, और वो सौदा भी अपन ने किया था करीब करीब, है ना। तो दाकर भैया बहुत खुश है गाय खरीदने के बाद में। अनिल जाधव भैया की दामनी में पहुंचे हैं, जो गाय देख रहे हैं उनके पास भी करीब 8-9 लीटर की कैपेसिटी है, लेकिन अनिल भैया से पूरी जानकारी लेते हैं। तो अनिल भैया कब कब भी आई है? तीसरा रोज। दूध कितना लगा देगी? नौ किलो 12 लीटर दूध बता रहे आप। मांग क्या है इसकी? मांग 90,000। 90,000 नीचे अनिल बच्ची है 3 दिन की, 90,000 मांग रखी है अनिल भैया ने। बढ़िया गाय हैं, एक से बढ़कर एक। तो दोस्तों आप बैठक पे मतलब तोड़ बट्टा हो जाता है, जरूरी नहीं है, यही गाय हमें 70 के आसपास मिल सकती है। और आगे बढ़ते हैं तो शायद राहुल भैया को सौदा वादा कर रहे हैं शायद इसी गाय का। तो ये गाय है शायद, इसको खोल के देखते हैं। हाँ राहुल भैया, क्या मांग वांग कर रहे हैं इसकी? इसकी मांग कर रहे 65,000। ज्यादा है? हाँ ज्यादा, तो अरे कीमत करने में क्या है, कितने लगा रहे आप? कुछ भी लगाया भैया, अभी तो एक पास कर रहे, कभी पास हो जाए। अच्छा भैया को समझ में आए तो। हाँ कहाँ तक है आपको लग रहा है? 50-55 देखते हैं, अगर सौदा होता है तो बाद में दिखाएंगे आपको। एक शानदार देखिए आप गाबन गाई है, शायद जनने वाली है। दोस्तों देखिए राहुल भैया एक नितिन भैया की दामनी में शायद सौदा कर रहे हैं, शायद गाय यही वाली है। तो लाइव सौदा अगर दिख जाता है तो हम देखते हैं। और गाय वो सुधीर भाई लेके घूम रहे होते, सुधीर भैया गाय इधर चलाओ, ये वाली गाय है, पलटा उधर। कितना दूध है सुधीर भैया? 9-9 लीटर टाइम का दूध बता रहे हैं, और आर्डर तो लग रहा है कि 7-8 लीटर दूध दे देगी। और इसी का लाइव सौदा देखेंगे हम। तो सुन लिया, क्या है मान सम्मान? मालूम तो मेरे को नहीं बोलोगे, पर नहीं है क्या करना है सही है, साला बट्टल करना है, मैंने कहा बोल दिया अपनी बात की बात है। मांगने के 85,000 रुपए सुधीर भाई बता रहे हैं। अब देखते हैं राहुल भैया की ताकत कहां तक करवाती है। वही मैं ही कर रहा, वो नहीं कर लो, तुम भी कर लो ना, मैं भी कर लो ना, मेरी भी लड़की हो जाए, उनके गाय हो जाए, नहीं भैया का वीडियो बन जाए। कुछ भी मत बोलो, नहीं होगी। और देखने वाले को वीडियो दिख जाए, ये भी बोलो ना। देखने वाले को मेन देखने वाले हैं इसमें, बाकी कोई भी नहीं है। और हमारे से क्या है, ये जब देखने वाले हैं क्या करना? हाँ ये ना लेने वाले वो दादा हैं जो राहुल भैया उनको लेके घूम रहे हैं। दिखाते हैं लाइव सौदा आपको नितिन भैया की गाय का, जो सुधीर भाई लेके घूम रहे हैं।
गाय अच्छी है, 9-10 लीटर दूध बता रहे हैं टाइम का। नितिन भैया क्या मांग कर रहे इसकी? इसके मोल के पीछे से। अच्छा, और क्या लग क्या रहा है? 60,000 रुपये लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं आगे से ही। सारे पैसे इसमें निकाल लोगे मिलती होती तो कौन जाए, कौन चाहेगा भैया? बच्चा भी बड़ा है उसका, कौन सी ताजी ब्याज की मिलेगी? बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं है, 15-20 दिन का, ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो। सारे कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, तो देने के लिए फोन आना गाय वाले का तुम्हारी कसम से। मतलब क्या करना है? हां या ना? देखिए राहुल भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, 60-62,000 रुपए बोल रहे हैं राहुल भैया, और नितिन भैया शायद इसको 70 बोल रहे हैं आखिरी कीमत। शायद ले ली है राहुल भैया ने, हो गया है शायद फाइनल। राहुल भैया कितने लड़ते हैं देखे, राहुल भैया बोल रहे हैं कि भीड़ में अगर बांध के बच्चा लगाओगे तो गाय हिलेगी भी नहीं, वैसे भी तो बाहर निकालो, अगर लात फेंकती होगी तो बाहर पता चल जाएगा। मिल्किंग देखते हैं आप, वो बच्ची शायद लेके आए हैं। एक महीने के आसपास की है बच्ची। तो देखिए दोस्तों राहुल भैया, अरे बेटा हटो सब साइड में जाओ, कितनी जांच परख करके देते हैं ग्राहकों को, मतलब पूरी संतुष्टि उनको होगी तो ही वो गाय दिलवाएंगे किसी को, नहीं तो वो मना कर देंगे। और 100 में से आपको पता है कि ये जरूरी नहीं कि 100 ही गाय सही निकले, एक तो गाय हो सकती है जो किस्मत अगर खराब हो तो। और राहुल भैया ने पास करी है तो राहुल भैया ही दूध निकालेंगे मेरे को लग रहा है। देखिए दोस्तों राहुल भैया बहुत जांच परख के करते हैं, शायद फेल कर दिए राहुल भैया ने। और डिटेल लेते हैं हम राहुल भैया से, देखो दोस्तों राहुल भैया अगर फंसाना चाहते तो गलत गाय भी फंसा देते थे। राहुल भैया थोड़ी डिटेल दो, क्या हुआ? ये भैया अभी दूध देने में कुदरी तो बाद में घर पे क्या न्याल करेगी? अच्छा मिस्टेक लगी आंचल में, मिस्टेक खराब गई तो अपन दिलाने का काम ही नहीं है। तो दिला दो, आपका तो 1,000 रुपए पकड़े ना भैया, 1,000 सामने वाला कुछ भी करे, ले नहीं ले उससे कोई मतलब नहीं है, 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा अगर वो आपका भी नाम खराब होगा और मेरा भी नहीं, वो ग्राहकों को मेरा नाम तो कभी खराब, मेरा नाम खराब होगा तो आपका होगा, आपका नाम खराब कभी होने नहीं दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए भैया राहुल भैया ने फेल कर दिया उस गाय को। राहुल भैया क्या मांगे थे उस गाय के? 85,000। और कितने में हुआ था? 65,000 65 में हो गया था, है ना? बहुत बढ़िया, देखो राहुल भैया की एक यही सच्चाई है, नहीं तो 1,000 रुपए अगर लेते हैं गाय के पीछे तो उसको क्या भैया, जैसे गिराक में तो बहुत सारे क्या करते हैं, दिला दे ले लो ले लो। हाँ कोई सी भी ले लो, अपने क्या गाय ले ली हाँ अपना काम हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ इंसान अपने भरोसे आते हैं। ठीक है भैया, ठीक। तो दोस्तों आप भी राहुल भैया से जुड़े, जब भी गाय खरीदना हो आप उनसे 1-2 दिन पहले चर्चा करें,
सभी तरह की गाय 10,000 से लगा के तो आपको 1,00,000 तक की गाय मंडी में मिलती हैं। 8319984072 ये राहुल भैया का नंबर है, या मुझसे भी आप कुछ जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं 9174878422 पर। तो शायद राहुल भैया दूसरी गाय अब पसंद करेंगे, जो नितिन भैया दूसरी दिखा रहे हैं। ये वाली गाय बता रहे हैं नितिन भैया, इसके पास भी वही दूध लग रहा 8-9 लीटर। अरे बहुत गरीब है, हाथ पे करेगा इसको।